तो शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है, अतीक अहमद और अशरफ की पेशी आज है। उमेश पाल हत्याकांड में पेशी होगी, आपको बता दें आज सीजेएम कोर्ट में पेशी होगी। साबरमती जेल से लाया गया है अतीक अहमद, बरेली जेल से अशरफ को लाया गया है। नैनी सेंट्रल में बीती अतीक और अशरफ की रात, आपको बता दें आज पेशी होनी है और कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आएगा देखा जाएगा। रिमांड पुलिस की तरफ से आज मांगी जा सकती है। प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां अतीक अहमद और अशरफ की पेशी आज है। उमेश पाल हत्याकांड का ये पूरा मामला और इस पूरे मामले पर पेशी होगी। इससे पहले अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण मामले में पेश किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि अतीक अहमद को दोषी करार भी दिया गया था, उम्र कैद की सजा उसको मिली थी। हालांकि एक बार फिर से प्रयागराज लेकर आया गया है अतीक अहमद को। उमेश पाल हत्याकांड का ये पूरा मामला है, इसको लेकर सुनवाई होगी। आपको बता दें आज सीजेएम कोर्ट में पेशी होनी है। साबरमती जेल से अतीक अहमद को लाया गया है, बरेली जेल से अशरफ को लाया गया है। दोनों को नैनी सेंट्रल में रखा गया था, रात इन दोनों ने बिताई थी, अलग अलग बैरक में इन दोनों को शिफ्ट किया गया था और आज आपको बता दें कि पेशी होनी है, सीजेएम कोर्ट में पेशी होगी और संभव है कि पुलिस रिमांड मांग सकती है। क्या पुलिस को रिमांड मिलती है इस पूरे मामले पर देखना होगा, लेकिन बड़ी खबर बड़ी जानकारी इस वक्त की। आपको बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ की आज पेशी होगी। आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, पुलिस इन दोनों की रिमांड मांग सकता है। जहां आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में इन दोनों की पेशी की जाएगी, सीजेएम कोर्ट में इनकी पेशी होगी। साबरमती जेल से अतीक अहमद को लाया गया है, जबकि बरेली जेल से अशरफ को लाया गया है। इन दोनों की आज पेशी होगी और इन दोनों की रिमांड आज पुलिस की तरफ से मांगी जा सकती है। नैनी सेंट्रल में अतीक अशरफ की रात बीती थी और ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी। हालांकि जब अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लेकर आया जा रहा था, तब अतीक अहमद ने एक बार फिर से गाड़ी पलटने की आशंका जताई थी। कहा था कि यहां पर अब इनको रगड़ा जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि अतीक और उसके भाई अशरफ, इन दोनों की पेशी आज होगी। दोनों को नैनी सेंट्रल में रखा गया है, उसके बाद भारी सुरक्षा के बीच सीजेएम कोर्ट में इन दोनों को लेकर जाया जाएगा और इस बीच आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से रिमांड मांगी जा सकती है। क्या रिमांड मिलती है कोर्ट की तरफ से देखना होगा, और अगर रिमांड नहीं मिलती है तो उमेश पाल को फिर से साबरमती जेल लेकर जाया जाएगा, वही अशरफ को बरेली जेल पहुंचा दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज का दिन दोनों के लिए ही अहम है, क्योंकि पहले जब इन दोनों की पेशी हुई थी तो वो उमेश पाल अपहरण मामला था, जिसमें अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया था। तो प्रयागराज से राघवेंद्र मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। राघवेंद्र, किस टाइम पर सीजेआई जो कोर्ट है, सीजेएम कोर्ट माफ कीजिएगा, वहां पर पेशी होगी? और देखिए, बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये दूसरी बार उमेश पाल को यहां पर लाया गया है। इससे पहले जब लाया गया था तो वो उमेश पाल अपहरण का मामला था, जिसमें दोषी करार भी अतीक अहमद को दिया गया था, उम्र कैद की सजा मिली थी। अब ये जो मामला है वो उमेश पाल हत्याकांड को लेकर है, क्या कुछ आज कोर्ट में हो सकता है, सीजेएम कोर्ट में कब तक लाया जाएगा, कब तक पेशी होगी, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस समय मैं नैनी सेंट्रल जेल के बाहर खड़ा हूं और कुछ ही पलों के बाद यहां से अतीक अहमद और अशरफ को सीजेएम कोर्ट में ले जाया जाएगा, वहां पर इनकी पेशी होगी। उमेश पाल हत्याकांड का साजिश रचने के आरोप में इनको जो है न्यायालय समक्ष पेश किया जाएगा। किंतु एक बड़ी अपडेट जो सुबह आई थी कि रात में इनकी जो है दोनों भाइयों की तबीयत खराब हो गई थी, इनका ब्लड प्रेशर जो है डाउन हो गया था। अब ब्लड प्रेशर डाउन हो गया था, इससे पीछे उसका टेंशन था, मानसिक दबाव था,
या जो डर था, भय था, वो कारण था कि जो 1300 किलोमीटर साबरमती जेल से नैनी सेंट्रल जेल आने में लगे गर्मी के कारण हुआ। हालांकि दो डॉक्टरों की टीम यहां पर आई थी, सुबह जो है चेकअप किया, चेकअप के दौरान उन्होंने बताया कि जो है स्थितियां नॉर्मल है, सामान्य है। उसके बाद जो है अभी 11 बजे जब इनको कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाएगा, तो उसके पूर्व भी अभी एक डॉक्टर की टीमें निकली हुई है यहाँ से, इनका चेकअप किया है, दोनों भाइयों का चेकअप किया है। कल जो है जो रात में खाना इनको दिया गया, अशरफ को दिया गया, जो जेल का भोजन दिया गया, उससे जो है अशरफ ने इंकार कर दिया कि मैं जेल का भोजन नहीं करूंगा। हालांकि ये भी बात सामने निकल कर आई है कि वो रोजा है, इस समय रोजा रह रहा है और रोजे के दौरान जो है उसको कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। तो उमेश पाल हत्याकांड को लेकर जिस प्रकार से दोनों भाई आरोपी बनाए गए हैं, अहमदाबाद जेल से लेकर, बरेली जेल से लेकर और प्रयागराज से जो मुस्लिम हॉस्टल था, यहाँ पर जो साजिश रची गई और इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इसके लिए आज इन दोनों भाइयों को सीजन कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेशी के दौरान ही यहाँ प्रयागराज की पुलिस रिमांड अर्जी जो है डालेगी सीजन कोर्ट में कि इनको 14 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में दे दिया जाए, जिससे कि कई सवाल ऐसे हैं उमेश पाल हत्याकांड को लेकर जिनका भी खुलासा नहीं हुआ है और उसका राज पर्दाफाश जो है तीस अहमद और तरफ ही कर सकता है। तो अर्जी देने के पश्चात अगर कोर्ट इनको कस्टडी रिमांड देती है, पुलिस को रिमांड देती है, तो कोर्ट से सीधे पहले पुलिस लाइन जाएंगे। पुलिस लाइन में एक एक करके दोनों भाइयों से अलग अलग व्यक्तिगत ढंग से पूछताछ करेगी पुलिस विभाग, पुलिस पूछताछ करेगी, पहले अतीक से करेगी, उसके बाद अशरफ से करेगी, इसके बाद दोनों को संयुक्त रूप से बैठा के अपने सामने क्रॉस क्वेश्चन करेगी कि अगर दोनों भाइयों के जो सामने बातें निकल कर आती हैं, जो बयान है, उसमें अगर कोई भिन्नता है, किसी प्रकार की अगर भिन्नता आती है, तो उसका मिलान करेगी और जांच पड़ताल करेगी। तो बड़ी बात अपना यह है कि आप जो इनकी पेशी होने जा रही है उमेश पाल हत्याकांड को लेकर, और पूरे शहर में बहुत ही ऐतिहासिक दिन है आज का, क्योंकि आप देखना होगा कि ये इन पर आरोप तय होते हैं कि नहीं होते हैं, चार्जशीट दायर होती है कि नहीं होती है। जो विवेचना है वो भी पुलिस पूरी तरह से तैयार कर ली है, पुलिस से मानना है, पुलिस से अगर सूत्रों की माने, पुलिस विभाग से अगर बातों को मान लिया जाए, तो पुलिस के पास पुख्ता सबूत है, क्योंकि जिस प्रकार से इसका बेटा असद सीसीटीवी फुटेज में आया था, जो गोली चला रहा था, धड़ाधम गोलियां बरसा रहा था और उमेश पाल को मौत के घाट उतार दिया था, उसके साथ ही साथ जो सरकारी जो गनर थे उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया था। ट्रिपल मर्डर केस में आज इन दोनों भाइयों की फ्रीजम कोर्ट में पेशी होगी और पेशी के दौरान ये देखा जाएगा जिसको पुलिस रिमांड में लेती है और ये जो उमेश पाल की हत्याकांड की जो गुत्थी है उसकी नहीं लगती। राघवेंद्र, क्योंकि अगर रिमांड के लिए पुलिस मांगती है कोर्ट से रिमांड मांगती है, तो ऐसे में क्या उतने पर्याप्त सबूत है पुलिस के पास कि वो पेश करे कि अभी जांच में जिस तरीके से बातें सामने आ रही है, ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है उमेश पाल को रिमांड पर लेना, पूछताछ करना, क्या उतने पर्याप्त सबूत हैं? और इसके साथ ही आपकी कहां मौजूद के इस वक्त? मैं इस समय जो है नैनी सेंट्रल जेल के बाहर खड़ा हूँ, अभी कुछ पलों के बाद, कुछ मिनटों के बाद यहीं से ये पीछे जो ये गेट है, इंदिरा द्वार है, ये नैनी सेंट्रल जेल का मुख्य द्वार है, यहीं से अभी अतीक अहमद को जो है प्रिजन वैन में ले जाया जाएगा, उसका मेडिकल चेकअप हो चुका है, उसके पीछे पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ उसको प्रिजन कोर्ट प्रयागराज शहर ले जाया जाएगा। नैनी सेंट्रल जेल के बाहर मैं खड़ा हूँ, अभी कुछ पलों के बाद मैं लाइव तस्वीरें नेटवर्क टेन के माध्यम से दर्शकों को दिखाऊंगा। तो जो ये बात आई सामने आई कि जो पुलिस के पास पुख्ता सबूत है कि नहीं है, पुलिस ने जो भी जांच पड़ताल की अभी तक 45 दिनों के अंदर जो भी तफ्तीश की, पुलिस ने एसटीएफ की टीमों ने जो भी तफ्तीश की, उससे तो सीधे तौर पर अतीक अहमद और उसका पारिवारिक कुनवा ही हत्याकांड का जो है मुख्य आरोपी नजर आ रहा है। क्योंकि जिस समय 24 फरवरी को उमेश पाल का जो है मर्डर हो रहा था, दिन दहाड़े मर्डर, उस पर गोलियां बरसाई जा रही थी, तो उस समय जो है वो असद इसका जो लड़का है, असद जो फरार चल रहा है, 5 लाख का इनामी है, मैं वो भी टीवी फुटेज, ये गाड़ियां निकल रही हैं सपना में, थोड़ा सा समझ रहे गाड़ियां निकल रही थी कहां से, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये गाड़ियां निकलने वाली है, ये गाड़ियां निकल रही है तीन अहमद और सड़क को लेकर, क्योंकि 11 बजे सीजन कोर्ट में इनकी पेशी होनी है, सीजन कोर्ट में ही आज इनके ऊपर आरोप तय होंगे, वहां पर जो है दोनों अधिवक्ता पक्ष अपने पक्ष रखेंगे, क्योंकि कल रात से ही इसको अंधेरी कोठरी में रखा गया था, 16 नए सीसीटीवी कैमरों की मदद से जो है इसका है, यहाँ पर पूरी पुलिस टीमें खड़ी हुई, पुलिस खड़ी हुई है आगे पीछे, इनको सुरक्षित ढंग से यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पड़ती है सीजीएम कोर्ट की, वहीं पर जो है ठीक अहमद और सरफ की आज पेशी होगी।
प्रेसिंग के दौरान इनसे जो कोर्ट में सवाल जवाब होंगे और उन्हें उस पाल हत्याकांड का जो भी सुराग है, जो भी तथ्य है, जो भी रहस्य है, इनसे जो है पूछा जाएगा। ये उगलेंगे, राज उगलेंगे। आज से बहुत बड़ा दिन है, आज चाहिए। मैं आपको लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ मेट्रो ट्रेन के माध्यम से। ये इंदिरा द्वार नैनी सेंट्रल द्वार है। ये जो वज्र वैन आपको सामने दिखाई दे रही, प्रिजन वैन, इसी में जो है अतीक अहमद और अशरफ को ले जाया जाएगा। हालांकि आज सुबह जो है अतीक अहमद ने अपने बेटे अशरफ से अली से मिलने की जो है इच्छा जाहिर की थी, यहीं पर अली अहमद भी बंद है 5 करोड़ की रंगदारी के मामले को लेकर। अतीक ने कहा था मुझसे मेरे बेटे से मिलाया जाए, क्योंकि उसका जो है खौफ सर से ही नजर आ रहा है। उसने मीडिया के सामने भी कहा था कि मेरे परिवार और बच्चों को छोड़ दिया जाए, इसको लग रहा है कि मेरा समय जो है नजदीक आ रहा है, मेरी माफियागिरी खत्म हो रही है, मेरा डर, मेरा आतंक पूरे तरह से प्रयागराज नहीं अन्य शहरों से भी खत्म हो रहा है। तो एक बार उसने अपने बेटे अली से मिलने की इच्छा जताई थी, सुलह जताई थी, किंतु जेल प्रशासन ने सिरे से इंकार कर दिया था कि भाई आप एक अपराधी हो, वो भी एक अपराधी है, अलग अलग बैरक में सबको रखा गया था। इसीलिए जो है जेल प्रशासन ने अतीक अहमद को अपने बेटे से मिलने की अनुमति नहीं प्रदान की। तो दर्शकों को दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही वहां से